गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम के नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका एग्जाम बेटा सिर्फ 2 से 3 दिन ही बचा है, तो आप लोग आज की क्लास पूरा अटेंड करिएगा, जिससे कि आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले बेटा पत्र, ठीक है, पत्र है, निबंध है और खंड काव्य के, हर स्टेट के जो खंड काव्य होते हैं वो। और सबसे बड़ी बात ये है कि संस्कृत के जो शब्द रूप होते हैं, ठीक है, उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आज के सेशन में ये भी यहाँ पर आप लोग को बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है। निबंध में बहुत बच्चों का हो रहा था कि निबंध मैम बता दीजिए, इंपॉर्टेंट निबंध बता दीजिए, तो आज की क्लास में इंपॉर्टेंट निबंध भी है आप लोगों के लिए, पत्र भी है कि पत्र कौन कौन से आपको तैयार करने हैं। बस आप लोग एकदम कॉन्सेंट्रेट होके क्लास को अटेंड करिए। और सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि आप लोग एकदम जो अपना कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बिल्कुल हाई रखिए, क्योंकि बहुत बच्चों का एग्जाम, जैसे जैसे एग्जाम करीब आता है ना, वैसे वैसे जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा थोड़ा नीचे गिरता जाता है। बट आप लोग को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो, इतना आप लोग को बता दिया गया है कि आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो, बस आपको परफॉर्मेंस करनी है। आप लोग को क्लास में जाके, मतलब आप लोग पूरी तरह से वेल प्रिपेयर रहिए, बस एग्जाम में जाके आप लोगों को क्या करना है कि पूरा पेपर जो है बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके आना है, ठीक है। अगर जिसके मन में डर भी है ना, तो उस डर को आप लोग थोड़ा साइड में कर दीजिए। बहुत बच्चों को होगा कि डर लगता होगा, कैसे पेपर आएगा, कैसे करना है, क्योंकि पता है बोर्ड के एग्जाम में सारी चीजें जो होता है एक लिमिट होता है, टाइम भी लिमिटेशन होता है, जहां बैल लगी वहां सबकी कॉपियां ले ली जाती हैं, ठीक है। और कहीं इधर उधर पूछताछ जो ऐसे होम एग्जाम में होता है वो बोर्ड एग्जाम में नहीं होता है, इसीलिए तो होम और बोर्ड दोनों में बड़ा ही डिफरेंट होता है। लेकिन आप लोग एक पेपर दे लोगे ना, तो सारा जो हेजिटेशन है मन में आप लोग के, सारा जो डर है वो बिल्कुल ही आप लोगों का खत्म हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम लोग कहते हैं ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना पढ़े हो, जितना तैयार किए हो, बस उसको एक बार बहुत अच्छे से रिवीजन करके जाओ, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है बेटा। तो कोई डरो मत, कोई नर्वस मत हो, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा होगा भी। बस ये करना बेटा आप लोगों को, जो स्पीड है ना, बहुत बच्चों की स्पीड जो है वो बहुत थोड़ा धीरे लिखते होंगे ना, स्लो मोशन में, लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना है। 3 घंटे का जो टाइम है उसको पूरा प्रॉपर मैनेज करके चलना है। निबंध है, मतलब हिंदी का जो पेपर है वो थोड़ा लेंदी आता है, क्योंकि सारे टॉपिक को हमको कवर करना होता है, गद्य है, काव्य है, संस्कृत भी है। निबंध में मतलब छोटे छोटे आपको कहीं क्वेश्चन नहीं लिखने होते, सारे क्वेश्चन ब्रॉड होते हैं, सारे क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं, इसलिए आप लोग टाइम को मैनेज करके चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में वॉच भी लगाने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसलिए सिर्फ बैल, जो बैल बजती है एक एक घंटे पे, बस उसी से आप लोगों को क्या होगा, टाइम का अंदाजा लगेगा। तो आप लोग ऐसा करो कि टाइम पूरा होने से पहले ही, जैसे आप लोग एक टाइम ये मैनेज करके चलोगे ना कि पेपर खत्म होने से 10 से पहले, जैसे 10 से 15 मिनट पहले अगर आप लोग पेपर खत्म कर लेते हो, तो 15 मिनट आप लोगों को एक रिवीजन के लिए मिल जाएगा कि हम एक बार रिवीजन देख लें, कहीं कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, कहीं क्वेश्चन ऐसा तो नहीं, कोई क्वेश्चन छोटा है तो उसमें थोड़ा 2-4 लाइन और भी ऐड कर लें, ठीक है। तो ये सारे बातों को आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। एक पेपर में ही नहीं, मैं हिंदी की ही बात नहीं रही हूं कि आप लोग सिर्फ हिंदी में ऐसा करें, सारे पेपर में, सभी पेपर में टाइम मैनेज करके चलोगे, बहुत अच्छा पेपर होगा, कोई डर नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। हाँ, ये मैं जानती हूं कि अभी आप लोग का पहला पेपर रहेगा, इसलिए आप लोग को बहुत डर लगेगा, लेकिन डर को साइड में रखो, क्योंकि डर के आगे क्या है बच्चा, डर के आगे जीत है, है ना, डर के आगे जीत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला हाँ, यहाँ पे निबंध है चंद्रयान 3, जो कि अभी हाल में ही हुआ था बेटा। तो चंद्रयान 3 का जो निबंध है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कोशिश ये करना कि वो निबंध को टच करना, उस निबंध को लिखना जिसमें थोड़ा सा स्लोगन वगैरह हो, ठीक है। स्लोगन हो, कहीं भी अगर स्लोगन हो तो उसे ब्लैक पेन से थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखना, जैसे यहाँ पे चंद्रयान 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोगन है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो
है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए भी है कि आप लोग एक जो अपना गोल निर्धारित कर लिए हो, उसको जो अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लिए, बस वो लक्ष्य आप लोग को बहुत करीब है, कोशिश करनी है आपको वहां तक पहुंचने के लिए, तो उस कोशिश को एकदम बरकरार रखिए। बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है, मुश्किल से 10 या 15 दिन की बात है, ठीक है। उतने दिन में आप लोगों का सारी चीजें, सारा पेपर क्लियर हो जाने वाला है। तो बेटा ये चंद्रयान 3 जो है उसका ये स्लोगन है, ठीक है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, ये स्लोगन है, इसको आप लोग लिख लेना। कोई भी निबंध लिखने से पहले पहले हम क्या करते हैं, उसकी प्रस्तावना लिखते हैं, ठीक है, उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं, ठीक है। तो हर, मैं पहले भी बताई हूं कि हर निबंध में 2 पॉइंट तो आप लोग कंपलसरी रखिएगा। पहला पॉइंट क्या है, प्रस्तावना, और लास्ट पॉइंट क्या है, उपसंहार। हर निबंध में आपका रहेगा तो ये 2 पॉइंट तो आपका कंफर्म हो गया, प्रस्तावना और उपसंहार। तो यहाँ पे है प्रस्तावना, चंद्रयान 3 भारत की ओर से चलाया गया एक महत्वपूर्ण क्या है, अंतरिक्ष मिशन है। अब चंद्रयान 3 के बारे में आप जो भी जानते हो, सुने होगे, पढ़े भी होगे, बस वो निबंध यहाँ पे लिख देना। इस मिशन के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा की सतह से जुड़ी सारी जानकारी क्या करेगा, प्राप्त करेगा। यही था ना उसका मिशन कि चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा पर जाएगा और वहां से सारे जो चीजें हैं उसकी जानकारी देगा। चंद्रयान 3 क्या है, अब इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा बनता है, चंद्रयान 3 क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा चलाया गया एक मिशन है, ठीक है। इस मिशन के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया। कब लॉन्च किया था बेटा, ये डेट बता दीजिएगा, 14 जुलाई 2023 को उसको क्या किया गया था, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। यह चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव सतह पर उतरेगा एवं चंद्रमा से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वह देगा। हरिकोटा श्री अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा ने लॉन्च किया था, इसको किसने लॉन्च किया था वो बताना है, ठीक है। फिर है पृष्ठभूमि, इसकी पृष्ठभूमि कैसी है, तो चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा 2 का ही अगला चरण है। चंद्रयान 2 जो चंद्रयान 2 छोड़ा गया था वो क्या हो गया था, वो फेल हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद चंद्रयान 3 को छोड़ा गया जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। ये क्या था कि चंद्रमा की, चंद्रयान 3 का यही मिशन था कि चंद्रमा की सतह पर ये उतरेगा और उसी को क्या करेगा, उसी का परीक्षण करेगा और सारी छोटी से बड़ी सारी जानकारी देगा। इसमें एक लैंडर, एक रोवर होगा। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं, मतलब जो चंद्रयान 3 में जो उपकरण यूज हुए थे उससे भी हाई लेवल का उपकरण यहां पर यूज हुआ था, ठीक है। जिन वजहों से चंद्रमा 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया था उनको फोकस किया गया। मतलब आप देखते हो ना, आप अगर कोई एग्जाम देते हो, अगर उसमें आपका नंबर कम आ जाता है तो जिस वजह से आपका नंबर कम आता है उस वजह, आपको वो वजह पता चल गई कि आपने पढ़ाई नहीं की थी या आपकी राइटिंग अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब नेक्स्ट एग्जाम या नेक्स्ट टेस्ट जब फिर से दोगे तो उसमें क्या करोगे, उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। वैसे ही यहां हुआ कि चंद्रयान 2 जब गया था चंद्रमा पर तो उसमें जो कमियां थी, ठीक है, उन कमियों पर ज्यादा फोकस करके चंद्रयान 3 को बनाया गया था। फिर हम आ जाते हैं उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, रोवर को चंद्रमा पर क्या होगा, घूमते हुए प्रदर्शित करना कि जो रोवर रहेगा वो चंद्रमा पर, पूरे चंद्रमा पर क्या करेगा, घूमेगा, यथा स्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना और उस पर जो भी मशीन लगाए गए थे वहां पर वैज्ञानिक क्या था, वैज्ञानिक प्रयोगों का जो प्रयोग करना था उनको संचालित करना। चंद्रयान 3, अब इसकी विशेषताएं क्या है देख लेते हैं। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर जाने की कोशिश करने वाला भारत का यह तीसरा मिशन है,
ठीक है। तीसरा मिशन है, इससे पहले एक और दो मिशन फेल हो गए थे। इस मिशन के अंतर्गत चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा की सतह पर उतरकर वैज्ञानिक प्रयोगों को क्या करेगा, उसको पूरा करेगा। चंद्रयान 3 में इस बार वे सभी यंत्र शामिल किए गए हैं जो चंद्रमा से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी को प्रदान करेगा। चंद्रयान 3 से भारत को होने वाला लाभ, अब इतने पॉइंट हो गया, 2-3 पॉइंट। अब इसके बाद हम देखते हैं चंद्रयान 3 से भारत को क्या लाभ होगा। तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन सकता है, बन गया है, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला जो है चंद्रयान 3 वह भारत जो है हमारा वो पहला देश बन गया है। 23-24 अगस्त को अगर दक्षिण ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला, विश्व का पहला देश बन जाएगा, मतलब बन चुका है। यह लैंडिंग इसलिए भी खास होगी कि चंद्रमा का यह हिस्सा अब तक इंसान की नजरों से छिपा रहा है, मतलब अभी तक वहां पर लोगों की नजरें जो है वो नहीं पहुंच पाई है, ठीक है बच्चा। आगे आते हैं निष्कर्ष। अब इसको हम निष्कर्ष भी कह लेते हैं, इसको हम उपसंहार भी कह लेते हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तीसरी बार चांद पर जाने की कोशिश की गई। वो मकड़ी वाली कहानी सुने हो ना आप लोग, कि मकड़ी जो है वो बार बार जाले पे जाती है और गिरती है, जाती और गिरती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जो मकड़ी रहती है वो अपने जाले तक पहुंच ही जाती है ना। तो वैसे ही ये लोग, इनका मिशन जो है एक बार दो बार फेल हुआ, लेकिन तीसरी बार पूरी तरह सक्सेस हो गया। तो उपसंहार में ये हम थोड़ा सा बता लेंगे। ये भी निबंध बेटा बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं विज्ञान। अब कोई भी निबंध लिखने से पहले हम उसकी सब हेडिंग को तैयार कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4 पॉइंट है। अब विज्ञान वरदान या अभिशाप है, तो देखिए यहाँ से आप लोगों को 2 पॉइंट तो इसी जगह मिल गए। पहले हम विज्ञान क्या बताएंगे, वरदान है, फिर विज्ञान अभिशाप है, 2 पॉइंट यहाँ से बन गए, ठीक। तीसरा पॉइंट हमारा प्रस्तावना का बन गया, चौथा पॉइंट उपसंहार बन गया। ये मैं पहले भी बता दी हूं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट हर निबंध के लिए कंपलसरी है, इसको आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। 2 पॉइंट आपका ये इसी जगह से तैयार हो गया। अब प्रस्तावना में हम थोड़ा सा विज्ञान के बारे में बता लें कि विज्ञान क्या है, ठीक है। विज्ञान के बारे में बता लें कि आज का युग क्या है, वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी, मतलब ये थोड़ा सा विज्ञान के बारे में बता देंगे कि विज्ञान ने मानव जीवन को कहाँ तक सफल बनाया है, विज्ञान की वजह से मानव जो है वो कहाँ तक सफल रहा है, ठीक है, ये बता देंगे। फिर विज्ञान वरदान के रूप में, क्योंकि हर चीजों में अच्छाइयां होती हैं, तो विज्ञान वरदान के रूप में या उसके लाभ या वरदान एक ही होता है। आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोकन से अलौकिक है। प्रातः जागरण, मतलब सुबह जब हम लोग जागते हैं, ठीक है, जो सुबह जब हम लोग सोकर उठते हैं तब से लेकर रात को जब तक हम लोग सो नहीं जाते तब तक जितनी चीजों को हम यूज करते हैं वो कैसे मिलता है, वो हमें साइंस की देन है, वो हमें विज्ञान से ही मिलता है। आप लोग देखते हो दिन पर दिन नए नए चीजों का आविष्कार हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो विज्ञान की वजह से हो रहा है। पहले चीजें इतनी इम्पॉसिबल थी, पहले चीजें बहुत जल्दी नहीं मिलती थी, लेकिन अब आप देखोगे कि हर चीजें आपको मार्केट में अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। तो वो किसकी वजह से है बेटा, वो विज्ञान की वजह से है, ठीक है। तो विज्ञान के प्रस्तावना हो गया, वरदान हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग कि अगर कोई चीजें हैं उसमें अच्छाइयां हैं तो अच्छाइयों के साथ साथ क्या होता है, उसमें कुछ बुराइयां भी हैं। अब विज्ञान वरदान के लिए, ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्लोगन है, आप लोग इसको लिख लेना, ठीक है। ये है, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र विजय पुरुष आसीन है, बंधे नर के करों में वारे विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। ये लाइन आप लोग लिख लेना। और विज्ञान
वरदानों की उपयोगिता, मतलब हर क्षेत्र में जो विज्ञान है वो अपनी कहां तक अपने रोल को निभाया है उसको देखना है। यातायात के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में भी विज्ञान की भूमिका आपको नजर आती है कि पहले हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सोचना पड़ता था, लेकिन अब देखिए तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बिल्कुल नहीं सोचना पड़ता। ऑटो रिक्शा, ठीक है, बस, सारी चीजें, ट्रेन है, एरोप्लेन है। अब तो पहले तो एरोप्लेन के जो टिकट्स होते थे वो भी बहुत महंगे होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो भी बहुत और चीजों से थोड़ा कॉस्टली है, बट ऐसा है कि लोग उससे आ जा सकते हैं। ठीक है, तो दूर जाने के लिए अब हमें कहीं भी कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है। संचार के क्षेत्र में, संचार पहले देखते थे किसी के घर, अगर एक लोग के घर पे मोबाइल होती थी उस मोहल्ले या उस एरिया के सभी लोगों का फोन उस घर के, मतलब उस घर में आता था कि अगल बगल वाले भी अपना हालचाल ले सकते थे, बातें कर सकते थे। लेकिन अब देखोगे इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है कि अब घर में अगर 5 मेंबर हैं तो 5 लोगों के पास मोबाइल है, क्योंकि सबको उसकी नीड हो गई है। बिना मोबाइल के कोई एक मिनट भी रहना नहीं पसंद करता है ना, भले उसका क्या है, उसको भरवाने में जो भी पैसा लगे वो सेकेंडरी ऑप्शन है, लेकिन सबके पास मोबाइल है। तो ये संचार के साधन क्या है, बहुत ज्यादा विकसित हुए। और क्यों विकसित हुए बेटा, टेक्नोलॉजी की वजह से, साइंस की वजह से। आज अगर कोई दूर भी बैठा है, पहले अपने मम्मी से या दादी लोगों से पूछिएगा, पहले पत्र चलता था अंतरदेशी, ठीक है, उस पे लोग पत्र लिखते थे, फिर पोस्ट ऑफिस में जाके जमा करते थे, फिर वो उस स्थान तक पहुंचता था, मतलब पत्र को पहुंचने में महीनों लग जाते थे। तो लेकिन अब क्या है, अब पत्र का समय खत्म हो गया, अब लोग मोबाइल पे दिन भर बातें करो, दिन भर चैटिंग करो, यहाँ तक कि अगर कोई दूर भी व्यक्ति बैठा है तो उससे क्या कर लो, वीडियो कॉलिंग कर लो, है ना, वीडियो कॉलिंग पे बातें करो। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो गई हैं, ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो गई हैं। फिर दैनंदिन जीवन में विद्युत के आविष्कार ने मनुष्य की सुख सुविधाओं को बहुत बढ़ा दिया है। जैसे वह हमारे कपड़े धोती है, उन पर प्रेस करती है, भोजन पकाती है, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में शीतल जल उपलब्ध कराती। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ भी सारी चीजें पॉसिबल हो गई है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी हो गई है कि नहीं, क्या एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, टेस्ट, ये सारी चीजें क्या है, अब बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी हो जाता है, नहीं तो पहले इसमें बहुत टाइम लग जाता था। फिर औद्योगिक क्षेत्र में हो गया है कि पहले, आप लोग SST में ही पढ़े हो ना, कि पहले जो बुक्स वगैरह आता था लोग हाथों से छापते थे ना, उसमें कितना टाइम वेस्टेज होता था, टाइम भी वेस्ट होता था, पैसा भी वेस्ट होता था, श्रम भी वेस्ट होता था, है ना, और जल्दी मार्केट में चीजें आती भी नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि अब हर काम जो है वो मशीनों की से करवाया जा रहा है, जिससे क्या होता है, श्रम, समय और धन, इन सारी चीजों की क्या होती है, बचत होने लगी है। फिर आ जाता है कृषि के क्षेत्र में भी हो गया है कि कीटनाशक जो दवाएं हैं और कृषि की जो उपजाऊ शक्ति उसको बढ़ाने के लिए दवाएं, ट्रैक्टर है, सिंचाई के साधन है, मतलब जितने भी कृषि रिलेटेड चीजें हैं वो भी अब सारी चीजें अवेलेबल हो गई हैं, किसानों को बहुत सुविधाएं मिल गई। शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा विकास हुआ है, आप लोग खुद ही पढ़ रहे हो, खुद ही देख रहे होगे, है ना। तो बेटा इसमें कुछ भी ऐसे पॉइंट्स नहीं लिखने जिसको आप नहीं जानते हो, अभी तक जितने भी पॉइंट यहाँ पे ऐड है वो सारे पॉइंट आप लोग सब कुछ जानते हो, बस उसी के बारे में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। फिर है मनोरंजन के क्षेत्र में भी बहुत कुछ है कि सारी चीजें क्या है, अवेलेबल है, सब कुछ सुलभ है। फिर हम आ जाते हैं, वो तो था विज्ञान वरदान के रूप में, अब अगर किसी चीजों में बहुत अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं, सारी चीजें पूरी अच्छी नहीं होती हैं। अगर आप किसी बारे में अच्छाइयां पढ़ रहे हो तो उसमें बुराइयां भी पढ़ना पड़ेगा, बुराइयां ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो विज्ञान अभिशाप के रूप में, अब अभिशाप के रूप में क्या देखते हैं, विज्ञान का एक और पक्ष भी है जिसका एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है। मतलब हम होता है ना, किसी चीज का आवश्यकता से अधिक जब उपयोग करने लगते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, वो हमारे लिए अभिशाप बन जाता है।
बन जाता है ना वो हमारे लिए। अब देखते हो आप लोग जितना भी सारी चीजों को, भौतिक सुख सुविधाओं को जितने लोग यूज करने लगे हैं उतने लोग बीमार पड़ने लगे हैं। पहले ऐसा था? पहले ऐसा नहीं था। लोग जितना मेहनत करते थे, जितना काम करते थे उतना ही निरोगी होते थे। पहले के लोग बीमार नहीं पड़ते थे, बहुत बीमार नहीं पड़ते थे, लेकिन अब देखोगे तो तरह तरह के रोग हो गए हैं, तरह तरह के लोग, मतलब हर घर में एक रोगी जरूर मिलेंगे। तो जितने हम चीजों का यूज कर रहे हैं उतने ही हम क्या हो रहे हैं, उतने ही हम उसका भुगत भी रहे हैं, परिणाम भी भुगत रहे हैं, लेकिन हम लोग को वो देखने को नहीं मिलता है। फिर हम उपसंहार आ जाते हैं, लास्ट पॉइंट उपसंहार के बारे में, मतलब इसमें क्या है, इसमें बेरोजगारी को बढ़ावा दे दिया है। टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि इसकी वजह से इसने क्या किया, बेरोजगारी को भी बढ़ावा दे दिया है। अब आ जाता है बेटा तीसरा है बेरोजगारी की समस्या। ये भी आज की क्लास में जितने भी आपको निबंध मिलेंगे सारे इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी की समस्या। अब इसमें भी क्या करना बेटा, पहले हम पहला हेडिंग क्या रहेगा, आप लोग बिल्कुल इसको याद कर डालिए, पहला हेडिंग प्रस्तावना और लास्ट हेडिंग उपसंहार। ठीक, दो हेडिंग एकदम पक्का है। फिर बेरोजगारी पूछा है तो बेरोजगारी से तात्पर्य क्या, तात्पर्य है उसकी क्या समस्या है, समस्या के कारण बेरोजगारी क्यों हो रही है, उसकी समस्या और उसके समाधान, समस्या का समाधान। बेरोजगारी अगर फैल रही है तो उसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते, ठीक है, उसका समाधान। क्योंकि अगर कोई समस्या होती है तभी ना उसका हम समाधान करेंगे, अगर हमें कोई चीज याद नहीं होती है तो हम कोशिश करेंगे ना, अगर हमारे सामने ये समस्या है कि मुझे कोई चीज लर्न नहीं हो रहा है तो फिर हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे ना, लर्न करेंगे लिखेंगे, लर्न करेंगे लिखेंगे। तो दो से तीन बार अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमारी समस्या क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, होती है कि नहीं। तो इसको प्रस्तावना में थोड़ा सा बता दीजिए। फिर है बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी से तात्पर्य क्या है। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति अपनी जीविका के उपार्जन के लिए काम करने की इच्छा और योग्यता रखते ही भी, मतलब आपका क्या है बेटा, आपका एजुकेशन जो है, क्वालिफिकेशन जो है वो बहुत हाई लेवल पर है, लेकिन आप अपने घर परिवार को चलाने के लिए आप अपनी इच्छा से कोई नौकरी नहीं करते हो, उसको जबरदस्ती करवाया जाता है। आप ये सोचोगे ना कुछ नहीं मिल रहा है तो चलो कुछ तो कर ले, उससे हमारे घर का क्या होगा, हमारे घर का मतलब खर्च चलेगा। तो वो क्या होता है, क्वालिफिकेशन है हमारे पास लेकिन हमें अपने अकॉर्डिंग नौकरी नहीं मिल पाती है, तो उसको क्या कहते हैं, बेरोजगारी। कभी कभी ऐसा होता है कि डिग्री पूरी हमारे पास रहती है लेकिन नौकरी की तलाश में हम लोग इधर उधर भटकते हैं, तो वो क्या होता है, पढ़े लिखे बेरोजगार। क्योंकि जो नहीं पढ़ा लिखा रहेगा वो तो कुछ भी कर लेगा, लेकिन जो पढ़े लिखे रहेंगे वो नौकरी की, क्योंकि अगर जो जैसा जिसका क्वालिफिकेशन, अब एक डॉक्टर है, ठीक है, वो पूरी डॉक्टरी की पढ़ाई किया है और उसे कहीं मतलब कुछ भी जॉब नहीं मिल रहे हैं, या एक इंजीनियर को ले लीजिए, वो पूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन उसको उसके अकॉर्डिंग अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है, फिर वो अपना वो सेक्टर छोड़ के वो टीचिंग लाइन में आ जाता है, तो क्यों आता, उसको जबरदस्ती उस लाइन में लाया जाता है क्योंकि उसकी वो मजबूरी बन जाती है। ठीक है, तो ये होता है बेटा बेरोजगारी, समझ में आया। फिर है समस्या के कारण, कौन कौन से समस्या के कारण है, जो कारण होंगे बस उसी को आपको निवारण में डाल के लिख देना है। अब हम आ गए समस्या के कारण, क्या कारण है, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि। जनसंख्या में क्या हो रही है, निरंतर लगातार जो है वो वृद्धि हो रही है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो वो भी क्या है, बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा, बेरोजगारी की समस्या है। फिर हम देख लेते हैं दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, हमारे यहाँ क्या है, जो शिक्षा की प्रणाली है वो बहुत ही दोषपूर्ण तरीके की है। लघु तथा कुटीर उद्योगों की अवनति, जो लघु पहले होता था ना, लघु और कुटीर उद्योग, ताकि इसमें जो छोटे मोटे श्रमिक रहते थे उनको काम मिल जाता था, उनको जीविका का साधन मिल जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसको भी खत्म कर दिया गया है। यंत्रीकरण और औद्योगिक क्रांति, यंत्रीकरण के असंख्य लोगों के हाथों से काम छीनकर उन्हें बेरोजगार बना दिया गया, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित हो गई कि सारे काम क्या हो रहा है, मशीनों से किया जा रहा है। अब उसमें क्या होंगे, जो श्रमिक होंगे वो तो बेरोजगार पड़े रहेंगे, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, अब कारण तो हमने पढ़ लिया, कौन कौन सा कारण है, अब हम देखते हैं समस्या का समाधान। जो हमारा
कारण है वही क्या हो जाएगा, वही निवारण हो जाएगा। अब कारण को ही अगर हम दूर करेंगे तो वो समस्या क्या होगी, धीरे धीरे सुलझती चली जाएगी। अब हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, अगर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाएगा तो क्या होगी, बेरोजगारी धीरे धीरे कम होती जाएगी। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, अगर शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाएगा तो वो भी दूर हो जाएगी। लघु और कुटीर और लघु उद्योगों का विकास, अगर लघु और कुटीर उद्योगों का ज्यादा से ज्यादा विकास किया जाएगा तो लोगों को जो मतलब छोटे मोटे श्रमिक होंगे उनको काम मिल जाएगा, उनको जीविका का एक साधन मिल जाएगा, और जो महिलाएं घर में फालतू पड़ी रहती हैं काम के बाद उनको भी एक काम मिल जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है कृषि के सहायक उद्योग धंधों का विकास, और कृषि के लिए जो भी सहायक उद्योग धंधे होते हैं उनका भी विकास किया जाए ताकि जो किसान भाई है उनको भी एक हेल्प मिल सके। निर्माण कार्यों का विस्तार, जितने जैसे सड़कों का निर्माण है, वृक्षारोपण है, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण है, तो ये सारे चीजें क्या होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए ताकि हर वर्ग के लोगों को नौकरी मिल सके और देश का क्या हो सके, देश का विकास हो सके। फिर लास्ट बेटा पॉइंट हमारा आ जाता है उपसंहार। ठीक है, जन्म दर में कमी करके शिक्षा का मतलब इसको हम कैसे दूर करते हैं, तो जन्म दर मतलब हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या को रोक ले, ठीक है, और एजुकेशन को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे। ठीक है, देश के स्वायत्त शासी ढांचे और लघु उद्योग धंधों को क्या करें, प्रोत्साहन करें, जितने भी लघु उद्योग धंधे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें। ठीक है, तो क्या होगा, देश का विकास भी होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो बेटा कोई भी निबंध हो, ठीक है, उसको क्या करोगे कि आप लोग उसकी जो सब हेडिंग है वो अपने माइंड से दो तीन यहाँ पे मैं निबंध जो है लिख के दिखा दी हूँ, आप लोगों को ऐसे ही तैयार करना है। अब जैसे आ गया वृक्षों की रक्षा और पर्यावरण सुरक्षा, ठीक है, वृक्षों की रक्षा करना है, उसके बाद क्या करना है, पर्यावरण की सुरक्षा। तो देख लेते हैं, पहला हेडिंग क्या करेंगे, प्रस्तावना लिख देंगे। दूसरा वन महोत्सव का उद्देश्य कि मतलब वन महोत्सव जो किया जाता है उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। फिर है वन महोत्सव की आवश्यकता कि वन महोत्सव की क्या आवश्यकता है, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, पर्यावरण भी प्रदूषण नहीं होगा, पर्यावरण भी सुरक्षित होगा और सारी चीजें अच्छी रहेंगी। वनों की कटाई के कारण, वनों की कटाई क्यों किया जाता है, उसके कारण, जनसंख्या वृद्धि जो बढ़ रही है उसके लिए भी हमें रहने के लिए घर चाहिए, उसके लिए भी हम वनों की कटाई कर रहे हैं। फर्नीचर की वस्तुओं को बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं। आप देखोगे कि जो स्थानांतरित खेती करते हैं, झूम खेती, वो खेती करने के लिए भी वनों की क्या करते थे, कटाई कर देते। तो ये सारे कारण आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं हम वनों के लाभ। अब वनों के लाभ में बता दीजिए कुछ दो चार पांच पॉइंट की वनों के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। जैसे वनों से क्या मिलती है, हमें लकड़ियां मिलती हैं, वनों से हमें भोजन मिलता है, दवाइयां मिलती हैं, कपड़े मिलता है, सारी चीजें हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं ना, और वन क्या होते हैं, वर्षा कराने में सहायक होते हैं। ठीक है, वनों से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण कम होता है, वन जो होते हैं वो क्या करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं। मतलब जो एसएसटी में वन से रिलेटेड आप पढ़े हो ना बच्चा, अगर वृक्ष से रिलेटेड अगर कोई भी निबंध आ सकता पूरा छाप देना वहां, आप जितना भी आपके माइंड में होगा। ठीक है, वनों की कटाई के दुष्प्रभाव, इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, प्रदूषण का बढ़ना। ठीक है, वन के जब कटाई होते हैं तो क्या हो जाता है, प्रदूषण बढ़ने लगता है, अकाल आ जाता है, बाढ़ की स्थिति आ जाती है, वन्य और जीव जंतुओं का विलुप्त होना, धीरे धीरे क्या होता है, जीव जंतु विलुप्त हो जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। वन क्षेत्र बचाने के उपाय अथवा उपसंहार, लास्ट में हम उनके उपाय और उपसंहार को बता सकते हैं कि वनों को क्या हो मतलब हमको काटने से बचाना चाहिए, उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना चाहिए। आप लोग चिपको आंदोलन के बारे में जानते होंगे ना, चिपको आंदोलन, वो भी आप इस निबंध में ऐड कर सकते हो, चार पांच लाइन। तो निबंध बेटा आप चाहो तो बहुत अच्छा लिख सकते हो, सिर्फ आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, स्पीड जितनी अच्छी रहेगी आप लोग उतना ही अच्छा लिखोगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा फोकस करना किस पे, स्पीड बहुत अच्छी हो। ठीक है, और स्पीड के चक्कर में राइटिंग मत खराब करके बैठ जाना सभी लोग। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
इसका क्या है, इसमें भी पहले प्रस्तावना लिखिए, सब हेडिंग पूरा तैयार कर लीजिए, योजना के उद्देश्य, ठीक है, पढ़े बेटियों से आशय, बेटियों को बढ़ाने के उपाय, कि मतलब बेटियों पढ़ाने के, ठीक है, उनको कैसे पढ़ाया जा सकता है, पढ़े बेटियां सामाजिक सुरक्षा, कि उनको कैसे प्रोटेक्शन दिया जा सके, ठीक है, रोजगार के समान अवसरों की उपलब्धता। अब इसके लिए देखिए बेटा, एसएसटी और हिंदी के टॉपिक देखिए निबंध में बहुत ज्यादा सब सेम से मिल रहे हैं, इसलिए मैं बार बार एसएसटी के बारे में भी बता दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को जो निबंध है ना वो लिखना बहुत ईजी हो जाए। क्या है कि रोजगार, आप लोगों ने लिंग, जाति, धर्म और लैंगिक मसले पढ़े होंगे ना, तो उसमें आप लोगों को मैं ये भी एग्जाम्पल देके उस बताई थी कि जैसे पुरुष और स्त्री जो एक जगह वर्क करते हैं, उनका टाइम सेम रहता है, वर्क भी सेम रहता है, लेकिन उनको क्या होता है, सैलरी जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट दिया जाता है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर आप एक पॉइंट बढ़ा के लिख सकते हो। ठीक है बच्चा, आगे आ जाते हैं, छात्र और अनुशासन। अब छात्र और अनुशासन, छात्र आप लोग हो, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, आप लोग से अच्छा तो कोई समझ ही नहीं सकता है ना, स्टूडेंट होना आप लोग, तो अपने बारे में तो स्टोरी लिख ही सकते हो, अपने बारे में पूरी स्टोरी लिख सकते हो, प्रस्तावना थोड़ा सा बता दो, विद्या, विद्यार्थी और विद्या, ठीक है, विद्यार्थी के लिए विद्या का क्या महत्व है, ठीक है, उसके बारे में, अनुशासन का स्वरूप और महत्व, अनुशासन का, डिसिप्लिन में रहने का क्या महत्व होता है, कि अगर हम डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, तो बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, और अगर अनुशासनहीन हो जाते हैं तो फिर वहां से हमारा क्या होता है, हमारे चरित्र का जो विकास है वो बिल्कुल धीरे धीरे नीचे होता चला जाता है। अनुशासनहीनता के कारण और निवारण के उपाय, पहला अनुशासनहीनता के कारण, ये भी हो सकता है हम गलत संगति में पड़ जाएं, मित्रता चैप्टर पढ़े हो ना, बस बेटा जो भी निबंध रहेगा कुछ भी अलग नहीं है, आप लोगों ने जो पढ़ा है बस उसी जगह से आने वाला है, ठीक है, तो मित्रता चैप्टर पढ़े हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी गलत मित्र के संगत में आ जाते हैं, तो वहां भी क्या होता है, वो भी अनुशासनहीनता का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। निवारण के उपाय, उसके कैसे उसको हम निवारण कर सकते हैं, कि जो बुरे व्यक्ति हैं उनसे दूर रखें, अपने मन को थोड़ा स्थिर रखें, ठीक है, और लास्ट हेडिंग आ जाता है हमारा उपसंहार। इस तरह बेटा आप लोग 4 से 5 पॉइंट, बहुत ज्यादा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 4 से 5 पॉइंट लिख के और अपना निबंध कंप्लीट कर सकते हो। फिर है जनसंख्या विस्फोट, ठीक है, जनसंख्या विस्फोट प्रस्तावना, जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कैसे जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, फिर उसका निवारण, उसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, और उपसंहार, ये 4 पॉइंट यहाँ से। तो बेटा यहाँ तक जितने भी निबंध हैं आप लोग उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, सिर्फ मैं ये नहीं कहती हूँ लर्न कर लीजिए, सिर्फ एक बार उसको पढ़ लीजिए, लेकिन सब हेडिंग आप लोग अपने से तैयार कर लीजिएगा। 4 से 5 निबंध आता है, ठीक है, 4 निबंध आता है शायद, 4 या 5 आता है, मॉडल पेपर में भी आप लोग देखे होंगे, उसमें से सिर्फ 1 निबंध लिखना रहेगा। ठीक है बच्चा, अब आ जाते हैं हम पत्र, कि कैसे पत्र को लिखना है, ठीक है, पत्र भी जो है वो पूरा नंबर, पत्र में तो आप अगर पूरा फॉर्मेट ऐसे लिख दिए तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलना है, 1 नंबर भी आपका कटना नहीं है, इसलिए जो फिक्स नंबर है उसको आप लोग पहले तैयार करो। पत्र में आपको बिल्कुल पूरा नंबर मिलने वाला है। आकस्मिक अवकाश हेतु तो अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, तो हम पत्र का जो फॉर्मेट है बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ठीक है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, ठीक है, केपी इंटर कॉलेज प्रिया, जो भी आपके स्कूल का नाम है, आप जहां से भी हो वहां का नाम, और विषय जरूर लिखना कि आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र, ठीक है, विषय जरूर मेंशन करना, क्योंकि पता है बेटा जो विषय होता है, ठीक है, इसी को पढ़ने के बाद, ठीक है, इसी को पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है कि पत्र किस चीज के लिए लिखा गया। अब जैसे मैं यहां तक पढ़ी और ये विषय पढ़ ली कि आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र, तो समझ में आ गया कि आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र है। महोदय, अब आप यहां से पूरा लिख सकते हो कि सबने निवेदन है कि आज कॉलेज आते समय, या फिर सबने निवेदन है कि रात को अचानक बुखार हो जाने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, और डॉक्टर ने मुझे क्या क्या है, डॉक्टर ने मुझे कहा है आराम करने के लिए, इसलिए मुझे 2 या 3 दिन की छुट्टी दे दीजिए, बस हो गया। अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे 2 या 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा
करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य बेटा एक बात और याद रखिएगा कि पेपर में अपना नाम मेंशन नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को पेपर में अपना नाम मेंशन नहीं करना है, आपका नाम नहीं रहेगा क ख ग अ ब स जो भी रहे, ठीक है। उस पल के लिए आप लोग क ख ग हो जाना। दूसरा पत्र है छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र, प्रधानाचार्य को एक पत्र, वहां पर भी आपके स्कूल का नाम रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, विषय रहेगा छात्रवृत्ति के लिए पत्र, विषय आप लोग लिखना मत भूलिएगा, इतना याद रख लीजिएगा। फिर माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि आपके विद्यालय का मैं एक छात्र हूँ या छात्रा हूँ, ठीक है, छात्र या छात्रा जो भी हो वो हूँ। मेरे फादर एक किसान है, ये भी लिख सकते हैं, मेरे पिताजी एक किसान है। हमारे दो तीन भाई जो हैं विद्यालय में, आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, क्लास बताना है तो बता दीजिए, ठीक है। और या तो यहाँ पर भी लिखा है कि दसवीं अ का छात्र हूँ मैं, सदैव ही अपनी कक्षा में उत्तम अंकों से क्या करता हूँ उत्तीर्ण होता हूँ। इतने ही नहीं, वाद विवाद प्रतियोगिता तथा खेलों में सक्रिय भाग लेकर भी मैं पुरस्कार जीतता रहा हूँ। कक्षा अ में 74% अंक प्राप्त करने में क्या है, विद्यालय में पांचवां स्थान भी प्राप्त किया है। अतः ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो इसको थोड़ा और इजी वे में कि मतलब मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ, ठीक है। मेरे जो पिताजी हैं वो एक किसान है, ठीक है। मेरे दो तीन भाई हैं, दो भाई हैं जो कि आपके विद्यालय में इस क्लास में पढ़ते हैं, जिस भी क्लास में पढ़ते हो। और मेरे फादर की जो इनकम है वो बहुत ही कम है, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरा क्या है, किसके लिए बेटा जरा देख ले, छात्रवृत्ति के लिए, अच्छा छात्रवृत्ति की, आप छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, छोटा बड़ा दोनों है, नाम आपको मेंशन नहीं करना है, ठीक है। अब है शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को एक पत्र लिखना है, नगर अधिकारी को, यहां पर भी उनका एड्रेस सारी चीजें, विषय शहर की सफाई हेतु पत्र। महोदय निवेदन है कि आजकल प्रयागराज नगर की मतलब सड़कें जो गंदी हैं उसके लिए यहाँ पर एक पत्र है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको नाम नहीं लिखना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, वो तो एक एप्लीकेशन की तरह था, और यहाँ एक पत्र है कि अपने मित्र को अपने बड़े भाई की शादी में बुलाने के लिए। अब देखिए बेटा दोनों पत्र में चेंज हो गया है, यहाँ पर जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो यहाँ के लिए लिखते हैं, ठीक है। ये पत्र है, अपने भाई की शादी में बुला रहे हैं अपने मित्र को, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। प्रिय मित्र राजीव नमस्कार, तुम्हें यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि ईश्वर की असीम अनुकंपा से मेरे बड़े भाई, ठीक है, विनय कुमार का शुभ विवाह लखनऊ यहाँ पर होना निश्चित हुआ है, अतः तुम्हें उस दिन आना है, ऐसे यहाँ पर ये पत्र तैयार करना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका नाम नहीं रहेगा, नाम रहता है बेटा, ठीक है, नाम लिखते हैं लेकिन हम बोर्ड के एग्जाम में अपना नाम नहीं लिखते, ठीक है। तो ये सारी चीजें आई होप आपको, निबंध और पत्र आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, हो गया है कि नहीं, हो गया है तो सेशन को फटा से फटाफट आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। और मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पेपर दोगे। आगे देखते बेटा ये खंड काव्य, ठीक है, खंड काव्य है, यहाँ पे ऐड है कि खंड काव्य हर जहाँ के हर जिले का जो है अलग अलग होता है, तो आप लोग अपने स्टेट वाइज जो भी रहेगा खंड काव्य आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है बेटा कि किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। जैसे मुक्तिदूत है, मुक्तिदूत दो क्वेश्चन है, दो में से एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना रहेगा हर में, सारे ऐसे ही 10 जगह का है, 10 जगह में क्या है कि दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको लिखना होगा। आपकी यहाँ आप जहां से भी रिलेटेड हो वहां पर जो भी खंड काव्य आता होगा दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको वहां पर लिखना है। आगे आ जाते हैं हम, अच्छा चलिए, तो यहां तक था कि यहां पर खंड काव्य और क्या मिला आपको, निबंध पत्र, ठीक है। तीन सेशन, तीन चीजें, तीन टॉपिक यहाँ पे क्लियर हुई। आई होप आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, और निबंध और पत्र के जो डाउट थे बहुत लोगों का था भी कि मैं
मैम इंपॉर्टेंट निबंध और पत्र करवा दीजिए। तो आज की क्लास में ये भी कंप्लीट हो गया। तो बेटा आई होप आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो इसके लिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में।